नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, यही कि कुछ लोग दुर्लभ कश्यप के बारे में पुरानी बातें जानना चाहते हैं और उस मामले को लेकर वीडियो बनाने को भी कहते हैं। तो अगर आपको दुर्लभ कश्यप की पुरानी बातें जाननी है तो थोड़ा सा करिए इंतजार, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन उसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अगर इस वीडियो में आप लोगों का प्यार दिखा तो शनिवार को दुर्लभ कश्यप की एक पुरानी कहानी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। उस पर काम हो रहा है, हमारी टीम रिसर्च कर रही है, लेकिन इसके लिए आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे यही बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक ही करना है, ना कि किसी भी तरह के अपराध को समर्थन या फिर बढ़ावा देना। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुर्लभ कश्यप गैंग के एक मेंबर जिसका नाम है चैन सीके, जिसे लेकर हमारे पास इतनी सारी इंक्वायरियां आती हैं कि चैन सीके के बारे में और भी वीडियो बनाओ, इसके पास पैसे कहां से आते हैं, गाड़ी कौन कौन सी रखता है और वो कितना खतरनाक है, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ बताएंगे लेकिन अगली वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ यही बताने वाले हैं कि चैन सीके जो कहता है वो तो करता है और जो नहीं कहता वो तो डेफिनेटली करता है, मामला चाहे जिस भी चीज से जुड़ा हुआ। दरअसल अभी दो दिन पहले राजदीप मंडलोई का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन के मौके पर सब लोग आए थे सिवाय चैन सीके के, और लोगों को लग रहा था कि चैन सीके फरार है तो राजदीप मंडलोई के जन्मदिन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि चैन सीके के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी इंदौर तो कभी भोपाल तो कभी महाराष्ट्र में रहता है और रोजाना नई नई जगहों से लाइव भी किया करता है। तो लगा था कि राजदीप के जन्मदिन में वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो आया और राजदीप के जन्मदिन को सेलिब्रेट भी किया, वो भी ऐसे वक्त में जब पुलिस उसे खोज रही हो। तो आप खुद सोचिए कि चैन सीके को क्यों कहा जाता है वादे का पक्का वाला दोस्त। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।